एमसीडी हाउस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कल जमकर हंगामा और हाथापाई हुई। सदन का यह हंगामा अब सड़क तक जा पहुंचा है। बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के दौरान सदन में यह हंगामा देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, वो संविधान की हत्या करते रहेंगे और हम सब बैठ के देखते रहेंगे। मैं आज एलजी साहब को कहना चाहती हूँ, मुझे पता है वो लाइव देख रहे हैं। मैं एलजी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, लेकिन संविधान की हत्या नहीं। वहीं बीजेपी के तमाम सांसद और नए पार्षद राजघाट पर धरना देते नजर आए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी केजरीवाल सरकार और उनकी अराजकता से डरने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल, जो कल की घटना घटी है, आज मैं बापू की समाधि के समक्ष खड़ा होकर ये घोषणा कर रहा हूं कि तेरे जो पार्षद इसमें शामिल है, विधायक शामिल है, कानून उनको इस तरह की मार मारेगा कि तेरी तीन पुश्तें इस मार को याद रखेंगी। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं।